खीर बन रहा है और मैं अभी बनाऊंगी माखन। ये थोड़ा मलाई है जो मैंने रखा था, इससे मैं अभी माखन बनाऊंगी। ब्लॉग और आज शाम से मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी अभी मैंने थोड़ा खीर बनाया क्योंकि आज हमारा वेज है और वेज वाले दिन ना वो सॉर्ट ऑफ को मतलब उतना वेज खाना अच्छा नहीं लगता। और जिस दिन हम लोगों का वेज होता है, मतलब वेज खाते हम लोग हफ्ते में दो दिन, तो उस दिन हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो बिना प्याज लहसुन वाला सब्जी तो सौरभ खा ही नहीं सकता, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि कल तो मैंने वो पतला सा खिचड़ी बनाया था वो दे दिया था उसको लंच में, मैंने भी वही खाया। तो अभी वो थोड़ा सा ही बनाया था सिर्फ लंच के लिए, कल रात को वो नहीं खाया था, रात को बनाया था क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना वो खिचड़ी बना के फिर लंच बॉक्स में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो सौरभ अपना ब्रेकफास्ट भी लेके जाता है क्योंकि घर से वो खा के जाता है ना तो उसको फिर से भूख लग जाती है, तो इसीलिए वो अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों लेके जाता है। तो लंच में रात को बना के रख देती हूँ और जो ब्रेकफास्ट होता है वो मैं सुबह बनाती हूँ। तो कल तो वो ब्रेड बनाया था मैंने फ्रेंच टोस्ट, वो तो वो लेके गया था। और आज उसने कॉर्नफ्लेक्स खाया, वो लेके नहीं गया क्योंकि जिस दिन कॉर्नफ्लेक्स खाना होता है उस दिन वो लेके नहीं जाता, वो खा के ही जाता है। और कुछ फ्रूट्स कैरी कर लिया था कि बाद में अगर भूख लगे तो फ्रूट्स खा लेगा। तो बस वही था। और अभी शाम को मैंने ये थोड़ा सा खीर बनाया है और अभी थोड़ी देर बाद पूरी तल दूंगी जब खाना होगा। उससे पहले खीर पूरी तो सौरभ को बहुत पसंद है, तो पतला सा खिचड़ी खाने के बाद आई थिंक खीर पूरी पाके वो खुशी हो जाएगा। वो खुश हो जाएगा, उसको तो हमेशा खीर पूरी ऑल टाइम हिट, उसको हमेशा अच्छा लगता है। और साथ में मैंने थोड़ा सा मक्खन भी बनाया, वो कल जो मैंने क्रीम व्हिप किया था ना तो उसके पैकेट में क्या हुआ, जब मैंने पहले वो पैकेट खोला वो बाहर ही नहीं आ रहा था, तो उसके ऊपर ना पूरा मलाई जम गया था। तो मैंने सोचा अरे ये तो गया, कभी कभी होता है व्हिपिंग क्रीम के ऊपर ना मलाई अलग हो जाता है फिर वो व्हिप नहीं हो पाता। तो मैंने फिर वो पैकेट को पूरा काट दिया, उसके बाद जब उसको निकाला तब देखती हूँ कि उसके ऊपर पूरा मतलब मलाई जम गया है जिसका मैं माखन बना सकती हूँ इजीली। तो कल तो नहीं बनाया था, उसको मैंने स्टोर करके रख दिया था, अभी अभी मैंने वो माखन बनाया अपने देखा और नीचे की तरफ पूरा सही था तो उससे मैंने व्हिपिंग क्रीम बना लिया था। और पहले तो मैं कोशिश कर रही थी उसको वैसे ही एक बोल के अंदर बनाने की, मेरी मम्मी वैसे ही बनाती है, लेकिन उसमें ना गाइस बहुत जोर लगता है हाथ से मतलब ऐसे 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 करने में। थोड़ी देर मैंने कोशिश किया, उसके बाद देख रही हूँ कि मक्खन अलग ही नहीं हो रहा है, उल्टा पानी में वो घुल जा रहा है। तो फिर मैंने मिक्सी यूज कर लिया, मिक्सी में यूज नहीं करना चाहती, थोड़ा सा होता है ना बिल्कुल टू सा, तो वो मैं हाथ से ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन ये क्वांटिटी में थोड़ा सा ज्यादा था मतलब इतना था तो वो हो नहीं पा रहा था और वो कटोरी भी छोटा था, पानी भी बाहर आ रहा था, तो मैंने ये मिक्सी यूज कर लिया। अभी ये मक्खन मक्खन हो गया तो इसको थोड़ा सा डिटर्जेंट में ऐसे सोक करके रखा है ताकि ये क्लीन हो जाए। आज सिम्बा का नया खाना आया है और देखो चिम भी एंजॉय कर रही है अपना खाना। ये देखो कितना कलरफुल में आया है, ये हार्ट शेप है, ये फ्लावर शेप है, ये पता नहीं क्या शेप है। और ये मुझे तो सब कुछ पत्थर जैसे दिख रहे हैं, कलरफुल पत्थर। ये उनका पॉटी जैसा है जी। ये सिम्बा का ये वाला वेपर आया है और ये सिर्फ सिम्बा खा सकता है, ये ब्राउनी नहीं खा सकता क्योंकि ये थोड़ा एडल्ट रैबिट के लिए है, वो तो अभी बच्चा है। सौरभ इसको खिला रहा है, उसके हाथ से खा के इसको हो नहीं रहा है, ये मेरी तरफ आ गई है क्योंकि वो जब भी मुझे देखती है ना उसे लगता है कि मैं उसे खाना दूंगी, तो इसलिए तुम दे रहे हो, तुम्हें छोड़ के वो मेरे पास आ गई है। ए, कहां गिरा दिया, ढूंढ के ला, चल जा, कहां गिराई है? हाँ? देखो इधर सिम्बा खा रही है ना और इधर ये वाला परेशान हो गया है, उसको निकलना है, लेकिन अभी सिम्बा का जो आई इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ तो इसीलिए इसको अलग रखा है। इसका खाना होगा उसके बाद वो खाएगा।
है ना? यहाँ गिरा ही है। और अभी तो मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, हर तरफ कैसा घास घास हो गया है। इन लोगों के लिटर बॉक्स के ऊपर वो घास होता है ना, और ये लोग गंदा नहीं करते, लेकिन ये जो इसके फर है, इसके ये जो नीचे फर है, इसके नीचे ऐसे घास चिपक जाता है, और फिर उछल उछल के जब वो लोग बाहर आते हैं तो इधर उधर लग जाता है। पूरा फ्लोर पे अभी घास घास हो गया है, सब मुझे अभी साफ करना पड़ेगा। गुंदू गुंदू सिंबी गुंदू कुछ मुझ को ले खाए, कुछ मुझ को ले खाए। हाँ, ये कैरेट शेप में है। हाँ, कैरेट शेप में है, लेकिन इसका कलर कुछ सही नहीं है। और ये हार्ट शेप में है। इनको क्या शेप समझ में आता है? ये दाल शेप में है। इनको बस टेस्ट से मतलब है। पता है, आज सुबह से मतलब डोर खोलते खोलते मैं परेशान हो गई। तीन बार तो सिर्फ अमेज़न वाला आया, अलग अलग, एक ही बार में आ जाता तो अच्छा होता। एक्चुअली अलग अलग आदमी आया था, तो तीन बार अमेज़न वाला आया। तीन ऑर्डर था इसलिए। हाँ, फिर वो, हाँ, इसका खाना आया, सिम्बा का, सिम्बा के लिए जो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है वो आया। तो चार बार तो सिर्फ वो आया। देखो इसे साइड को के खाती है। देखो अभी भी निकल रहे हैं आंसू, ये अभी भी निकल रहा है थोड़ा। मैंने उसको वेजी नहीं दिया ना आज। जब भी उसको वेजिटेबल नहीं खिलाती, आंसू रुक जाते हैं उसको ना। मुझे लगता है वो कोई प्रॉब्लम हुआ होगा लीवर में थोड़ा सा। उसको सब्जी पचाने में प्रॉब्लम होती है, कोई सब्जी खा लेती है ना तो आंसू ज्यादा आते हैं। उसके आंखों में तो इन्फेक्शन नहीं है, कन्फर्म। अभी दूसरा ही प्रॉब्लम है, फिर से लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बात भी हुई है। सिम्बी इसीलिए हम लोगों ने कल जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दिया था रात को। और कल करीब करीब तब 9:30 बजे होंगे जब हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया, और 11 बजे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। इतनी देर तक हम लोग देख रहे थे। अमेजोन में ऐसा नहीं है कि हम लोग बस गए और ऑर्डर कर दिए, प्रोडक्ट ढूंढने में भी कितना टाइम लगता है। मिला फिश काटने वाला कैंची भी गायब है। नहीं मिला। अरे रुको रुको, तुमने वो क्या पैकेट का ऑर्डर थी ना, शायद ओके मिल गया। हाँ, नहीं वैसे भी किचन में कुछ ढूंढना हो तो सौरभ को एक बार में थोड़ी ना मिलता है। नहीं तुम काटो आज, मैंने बहुत, मैं श्री गणेश करूंगा। इधर चले आओ, तुम दिखोगे नहीं। दिख रहा है मेरा ट्राईपॉड का ना पुर्जा ढीला हो गया, ऐसे टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो वो मुझे चाहिए था। और मेरे मोबाइल के लिए भी मुझे एक ट्राइपॉड चाहिए, क्योंकि इंस्टा के लिए जो रील वगैरह शूट करती हूँ ना, मैंने देखा है कि वो ना कैमरे पे शूट करने पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे एडिटिंग पे। गाइस, इंस्टा से याद आया कि आप हमें इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, और हमारा इंस्टा लिंक बता दो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा। और क्या, मेरा अकाउंट है, सौरभ ने तो अकाउंट ही नहीं बनाया। हाँ, तो वो हम दोनों का है, एक ही बात है। देखा होगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करती रहती हूँ एज ए शॉर्ट्स। ये तो मैं हाथ से ओपन कर दूंगी, ये वाला। तो देखो इसके अंदर ये ज्यादा है और असली माल कम है। अच्छा, ये देखो, ये तो ट्रायंगल वाला ही आया है। हाँ, ट्रायंगल वाला क्यों आया यार, मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया था। Just come something else, really. तो अच्छा है ना, अच्छा वाला आया है। क्या मालूम कि इतना अच्छा है, क्योंकि लोगों ने ना रिव्यू वगैरह लिखा था नीचे कि
इट डजंट वर्क, मैग्नेट अच्छे से काम नहीं करता, ऐसा बहुत सारा रिव्यू लिखा था। इसमें रस्सी तो है ना, बस और क्या। बाप रे, तो सीधा है तो क्या, अगर मैग्नेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा मैग्नेट होना जरूरी है। ओह मैन, आई डोंट थिंक दिस इज नाइस रियली। इससे क्लीन होता है और इससे इससे क्लीन होता है और इससे वाइप होता है। इसमें पूरा होना चाहिए था। इतना हैवी है ये, आई डोंट नो रियली मैग्नेट कितना अच्छा होगा इसमें। अब चलो, इसमें कम से कम रस्सी है, गिरेगा नहीं नीचे, रस्सी से बच जाएगा। तो सबसे पहले ये जो हमने ऑर्डर किया है ना, ये है जो हमारा ग्लास जो है वो क्लीन करने के लिए, मतलब वो तो पूरा खुलता भी नहीं है खिड़की, ऐसे साइड से हम लोग ऐसे हाथ डाल के ऐसे किसी तरह उसको क्लीन करते हैं। अभी ये वाला लिया है। और मैं उस दिन सौरभ को कह भी रही थी कि ग्लास क्लीनर आता है वो नीचे गिर गिर जाएगा, एक काम कर लेंगे उसमें रस्सी बांध लेंगे। मैंने आइडिया लगाया और फिर जब अमेजोन में हम लोग ढूंढे तब देखा कि ऑलरेडी इन लोगों को ये आइडिया आ चुका है और उन्होंने रस्सी वाला। लेकिन लग रहा है इसके आर पार दिखते ना, ये तो हो गया। नहीं, एक्चुअली डबल ग्लास के आर पार होना चाहिए। अब वो तो ग्लास में लगाने की नहीं, वो तो वापस कर देंगे, अमेज़न तो अपना बाप का कंपनी है। कुछ भी पसंद ना हो वापस ले लो, अभी ट्राई करके देखेंगे ब्लॉग खत्म करने के बाद। अच्छा, बातों बातों में सब कह रहेंगे कि एक ही प्रोडक्ट दिखा के इतना बकबक, नेक्स्ट पे जा। ये ट्राइपॉड ना बड़ी बेकार चीज है, मुझे लगता है एक बार खरीदो और कम से कम 5 साल तो चलना चाहिए। ये क्या 6 महीने में नहीं चलता। बाप दादाओं के जमाने का इक्वेशन अभी तो नहीं चलता ना, अभी मतलब हर 2-3 महीने में खरीदना चाहिए लोगों को, तो इस हिसाब से लोग। ये मेरा मोबाइल वाला ट्राइपॉड है, ये देखो, ये मेटल का है। मुझे लगता है हम लोग अच्छा एक्सपेंसिव वाला लेंगे और तो शायद ज्यादा दिन तक चले। मुझे कोई भरोसा नहीं है वो एक्सपेंसिव चीजों पे। मैंने जो रिंग लाइट लिया है ना, 450 दिरहम का है, इतना सा छोटा सा है। वो मैंने कौन सा, वो ग्रैंड शॉप से लिया था, दुबई मॉल से। कितना ब्रांडेड है, कितना बड़ा शॉप से लिया। और अभी देख रहे हो क्या, 50 दिरहम में चाइनीज वाला मिल रहा है, इतना बड़ा, उसमें कितना लाइट होता है। मैंने 450 का क्यों लिया, मैं 50 दिरहम का ले लेती। क्या पता 50 दिरहम वाला शायद ज्यादा दिन चलेगा नहीं, लाइट ये मैं कितना यूज करती हूँ और एक साल चलता, फेंक देती, फिर नया ले लेती, फेंक फेंक देती, फिर नया ले लेती। सारा ये कचरा इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। ये अच्छा है, देखो कम स्पेस लेता है, ज्यादा स्पेस नहीं लेता ये। ये इतना छोटा लिया था और लंबा नहीं होता ये? लंबा तो जरूर होगा, यहाँ से ये खुल खुल के लंबा होगा, देखो वो भी हमने ग्रैंड शॉप से लिया था, पुराना वाला, कितना महंगा, वो 150 का लिया था और ये कितने का लिया है बताए, 35 का लॉक में इशू ऐसी। अरे नहीं, इसका लॉक ऐसे दबाने पे लॉक होता है ना, ये अंदर नहीं गया होगा अच्छे से, तभी लॉक नहीं हुआ। नहीं, ये तो खट करके लॉक होता है, वैसे तो नहीं हुआ। इट्स नॉट। 35 दिरहम वाला ने भी जवाब दे दिया। अब बाप की कंपनी में क्या फिर से रिटर्न करना है क्या? नहीं ठीक है, अभी लॉक करके देखो। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी इशू है ये। लॉक करके देखो कि ये ठीक है ना। इट्स ओके आई थिंक। ये वैसे भी मोबाइल वाला है, कैमरा वाला थोड़ी ना है। मोबाइल उतना भारी नहीं होता, कैमरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। आई थिंक इट विल वर्क। ये और भी अच्छा है, ठीक है, इसमें ये सारी अटैचमेंट, ये देखो ये वाला अच्छा है इसमें। मोबाइल वाला ग्रिप वगैरह अच्छा है। ओके व्हाटएवर, 30 ग्राम की चीज है, 1 महीना भी चले तो बहुत है। अच्छा इसको रखो नहीं तो खो जाएगा, डब्बे के अंदर डालो। डब्बे में सिर्फ ये 2 ही चीज था बस, ये और एक डब्बे से ये निकला और एक डब्बा। हाँ तो हमने तो इस बार वो 2 ट्राइपॉड और सिर्फ एक ये ग्लास क्लीन करने वाला ही तो ऑर्डर किया था ना, और तो कुछ नहीं था ना।
और ये है हमारा ओज़मो के लिए, बेचारा हमारा ओज़मो कब उसको ले लिया, लेकिन उसके लिए ट्राइपॉड नहीं लिया और वो बेचारा मतलब ऐसे हाथों में पकड़ पकड़ के उससे शूटिंग करते हैं हम लोग। अभी देखो इसके साथ कितना सारा अटैचमेंट मिला है। ये एक माउंट है, फिर ये येलो वाला पता है आपको, ये येलो वाला जो है ना, ये मतलब अगर हम कभी वाटर एक्टिविटी करने जाते हैं तो इसके ऊपर ओज़मो लगा लेंगे, यहाँ इसके ऊपर, और अगर हाथ से ऐसे किश ऐसे अगर गिर जाता है तो हमारा ओज़मो डूबेगा नहीं, इसके वजह से वो तैरेगा, तैरता रहेगा। और ऐसा येलो कलर का है ना तो हमें दिख भी जाएगा कि कहाँ पे है, क्योंकि येलो कलर जल्दी से दिख जाता है, तो बिल्कुल मिनियन जैसा लग रहा है। दूर से शार्क देखेगा, अरे वाह येलो येलो क्या घूम रहा है। हाँ शार्क देखता नहीं है, शार्क सुनता है ऐसे। तो ये है, और इसमें और भी बहुत कुछ है, हेडबैंड वगैरह फिर ऐसे पहनने के लिए, मैं और निकाल नहीं रही हूँ, तो बस इतना सा ही शॉपिंग किया कल। और ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ नहीं आया है, क्या कार्ड चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है? मुझे लग रहा है इसके अंदर सब होगा। नहीं नहीं ये सब ठीक है, मुझे ये लग रहा है हम लोग 3 प्रोडक्ट लिया था क्या सिर्फ, या फिर कुछ और भी ऑर्डर किया था, मैं तो आजकल भूल जाती हूँ। आई थिंक 3 ही था, बट वी विल डबल चेक, नो प्रॉब्लम। कल गाइज मेरे साथ ना क्या हुआ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कल के ब्लॉग में मैंने कहा है या नहीं, कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि मैंने वो राजस्थानी वाला बेडशीट बिछाया है, तो उसके साथ ना 2 पिलो कवर है, एक पिलो कवर रख के मैं कहाँ भूल गई पता नहीं, बस मैंने उसको निकाला डालने के लिए, एक पिलो कवर मुझे चाहिए था और दूसरा नहीं चाहिए था, तो दूसरा वाला मैंने जहाँ से लिया वहीं पर रखा, फिर वो सब कुछ अलमारी में रहता है तो वहाँ से निकाल के फिर मैं चादर मैंने बिछाया, फिर जो मैंने वो तकिए के लिए निकाला था वो मुझे मिला ही नहीं, अभी तक के नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया, फिर मैंने अलमारी से दूसरा वाला निकाल के वो लगा दिया, अब मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। एक बार के लिए तो मुझे लगा कहीं मैंने गलती से खिड़की से बाहर तो नहीं फेंक दिया ना, हो सकता है बेख्याली लग के। अरे ऐसे इसके साथ ना पहले भी हो चुका है, बस मैं बोल रहा हूँ मेरी टाई कहीं नहीं गई, घर में ही होगी, घर के टाई घुमा दी और मैं बोल रहा हूँ मैं तो मैंने रो दिया था, कितना एक्सपेंसिव टाई था, कितने दिनों से मतलब अराउंड 1 ईयर राइट, मिला ही नहीं हम लोगों को टाई, 200 दिरहम का टाई था। हाँ, तो मैंने बोला तो मैं नहीं रहूंगी, 200 दिरहम में इंडिया में ठीक ठाक एक ब्लेजर आ जाता है, उतने का टाई था, तो मैं नहीं रहूंगी। कि मैंने कितने शौक से वो सौरभ को गिफ्ट किया था और वो खो गया, और मैंने बोला था कि मिल जाएगा सब्र करो यही कहीं होगा, फिर नहीं मिला, फिर मैंने सौरभ के लिए दूसरा टाई खरीदा करीब 1 साल बाद, और फिर दूसरा खरीदने के बाद वो मिल गया। तो अभी लोग बोलेंगे हाँ दूसरा बेडशीट खरीद लो, देखने इसका भी पिलो कवर मिल जाएगा तुम्हें। तो हम लोगों का तो बस ऐसे ही चलता रहता है, खासकर मेरे साथ, मैं ना कहाँ चीजें रख के कहाँ भूल जाती हूँ, आजकल मेरा दिमाग का ना तार कट गया है। ठीक है वो होता है, इट्स फाइन। मैंने बहुत सारा जगह ढूंढ लिया, सौरभ ने कहा कि सिम्बा ने उसको पकड़ के अपने केज में घुसा तो नहीं डाला, तो उसके केज में भी चेक किया, क्योंकि कभी कभी होता है सिम्बा कपड़ा वपड़ा कुछ पड़ा रहता है ना मुंह में लेके भाग जाती है। नहीं, सिम्बा जब प्रेग्नेंट थी ना तब वो सूती का कपड़ा लेके भागी थी एक्चुअली, तो उसको अपना घोंसला बनाना था, नेस्ट में उसने डाल के रखा था, तो मुझे लगा क्या पता सॉफ्ट क्लोथ देख के लेके चली गई होगी, बट वॉज नथिंग लाइक दैट। सो गाइस आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।